मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। आज हम बात करेंगे शुजाक के पैकर इस नौजवान की, जिसने सिर्फ 150 जवानों के साथ लाहौर पर हमला करने वाले दुश्मन को दुम दबा कर भागने पर मजबूर कर दिया, जिसने राह हक में जान निछावर तो कर दी लेकिन अपनी पाक धरती का एक इंच भी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाने दिया। आज दुनिया जिसे मेजर अजीज भट्टी शहीद और मुहाफिज़े लाहौर के नाम से याद करती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में एक मुअल्लिम घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम राजा अब्दुल्ला भट्टी था, जो रोजगार के सिलसिले में हांगकांग में मुकीम थे। राजा अजीज भट्टी बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। इब्तदाई तालीम हांगकांग में ही हासिल की। अजीज भट्टी बचपन से ही सबकी आँख का तारा थे। नाज़रीन, 1939 में दूसरी जंगी अजीम शुरू हुई तो हांगकांग भी इसकी जद में आ गया। हांगकांग में मुकीम मेजर अजीज भट्टी के अहले खाना के लिए कड़ा वक्त था। 1946 में हालात के पेश नज़र उन्होंने हिजरत का फैसला किया और पाकिस्तान में अपने आबाई गांव लादिया के मकाम पर आबाद हो गए, जो जिला गुजरात में वाक़ है। अजीज भट्टी की शादी गाँव के सूबेदार की बेटी जरीना बीबी से हुई। ये शादी अजीज भट्टी के लिए खुशियों का पैगाम लाई और कुछ ही माह बाद उन्होंने ऑल इंडिया फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी साल पाकिस्तान भी मारज़े वजूद में आ गया। यूं भट्टी साहब रावलपिंडी आ गए और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बने। अपनी काबिलियत के बलबूते पर बेहतरीन कैडेट का एजाज जीता और सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की। पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने गोल्ड मेडल से नवाजा। राजा अजीज भट्टी ने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। 1955 में जब राजा अजीज भट्टी कैप्टन बने तो इन्हें मजीद ट्रेनिंग के लिए कोयटा जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। इस अचीवमेंट पर इन्हें मजीद कोर्सेज के लिए कैनेडा भेजने का फैसला किया गया। साथ ही मेजर के रैंक पर नौकरी भी दे दी गई। वक्त का पहिया चलता रहा, यूं 1965 का साल भी आ गया। राजा अजीज भट्टी छुट्टियों पर अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार रहे थे कि अगस्त की एक सुबह इन्हें पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें छुट्टियां मंसूख होने और फौरी रिपोर्ट करने का कहा गया। खाने की मेज पर बेगम ने अफसुर्दगी से पूछा, हालात नॉर्मल होने पर छुट्टियां मिल जाएंगी? राजा अजीज भट्टी बोले, एक मेजर की जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नाज़रीन, राजा अजीज भट्टी के बच्चे भी इन्हीं की तरह बहादुर थे। इनके छोटे साहबजादे ने कहा, पापा क्या जंग होने वाली है? अजीज भट्टी ने कहा, लगता है अब जंग होकर रहेगी। इस पर इनके जमा हौसला बेटे ने मुक्का लहराते हुए कहा, दुश्मन का डटकर मुकाबला करना। और फिर 6 सितंबर का वो दिन भी आ गया, जब बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर लाहौर की जानिब से अचानक हमला कर दिया। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि इनका सामना अजीज भट्टी से होने जा रहा है। पाक सरजमीन का ये अजीम मुजाहिद अपनी मुट्ठी भर जवानी के साथ बरकी के महाज पर मौजूद था। मेजर अजीज भट्टी जिस कंपनी की कमांड कर रहे थे, इसके 2 प्लाटून भी नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर भट्टी ने बरकी गांव के बाला खाने पर ऊपरी पोस्ट को मुंतखब किया, जहां से वो दुश्मन के एक एक कदम का अंदाजा लगा सकते थे। मेजर अजीज भट्टी ने डट कर भारत की फौज का मुकाबला किया। ये लश्कर जैसे ही आगे बढ़ता, राजा अजीज भट्टी ताक ताक कर निशाने लगाते और देखते ही देखते दुश्मन फौज के टैंक और तोप राख का ढेर बन गए। 7 सितंबर का सूरज तुलू हुआ तो अजीज भट्टी मुल्की दिफा में सबसे आगे थे। उन्होंने अपने दुश्मन का जायजा लेने के लिए आंखों के साथ दूरबीन लगा रखी थी। अचानक दुश्मन दरख्तों की ओर लेते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आया। आपने रेंज का अंदाजा लगाकर फौरी तौर पर फायर का हुक्म दिया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय फौज ने एक बार फिर भरपूर हमला कर दिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये हमला इतना शदीद था
कि मेजर अजीज भट्टी को नहर के पिछले किनारे की जानिब लौट आने का हुक्म मिला, लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने नाराए तकबीर बुलंद करते हुए अपने जवानों को भरपूर हमले का हुक्म दिया। अजीज भट्टी की कयादत में जवानों में इतना जोश भर चुका था कि चंद दर्जन सिपाहियों ने सैकड़ों सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज को इस इलाके से निकाल बाहर किया। नाज़रीन, जंग छिड़े 100 घंटों से जायद का वक्त हो चुका था। अजीज भट्टी मुसलसल जाग रहे थे, इनकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन वो वतन की मोहब्बत में बिल्कुल चौकस और अलर्ट थे। इनके कमांडेंट ऑफिसर ने इन्हें आराम के लिए वापसी का हुक्म दिया तो इस धरती के बहादुर सपूत ने कहा, सर ये बड़ा नाजुक महाज है और मैं दुश्मन के सभी हरबे जान चुका हूँ। नए ऑफिसर को इन्हें समझने में टाइम लगेगा, आप मुझे वापस न भेजिए। मेजर अजीज भट्टी नींद और भूख की परवाह किए बगैर दुश्मन को नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहे थे। एक जवान आपके लिए खाना लेकर आया और कहा कि मैं इन पर नजर रखता हूं, आप खाना खा लें। मेजर ने कहा, दुश्मन सर पर है, वो एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हट सकते। हवालदार, जिसका नाम अकरम था, बोला, सर मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूँ और रेंज बताकर फायर करवाता हूँ, आप खाना खाने के लिए बैठ जाएं। अभी चंद लुक में ही तनावुल किए होंगे कि हवालदार की बताई हुई रेंज पर किए गए फायर मिस हो गए। मेजर अजीज भट्टी ने फौरी दूरबीन पकड़ी और ठीक जगह पर निशाने लगाए कि दुश्मन दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जंग का छठा दिन, आपने अपनी दूरंदेशी और जंगी हिकमत अमली से हरीफ फौज के दांत खट्टे कर दिए। खुद दुश्मन भी इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि जब तक मेजर अजीज भट्टी मौजूद हैं, वो कोई पेशकदमी नहीं कर सकते। मेजर अजीज भट्टी ने सिर्फ 150 जवानों के साथ दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारत के सैकड़ों फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे। 12 सितंबर का सूरज तुलू होने से पहले राजा अजीज भट्टी ने नमाज पढ़ी, बालों में कंघी की, ये इनकी आखिरी सुबह थी। सूबेदार गुलाम मोहम्मद के साथ चाय पीने लगे, सूबेदार दस्तशनास भी मौजूद था। उन्होंने पूछा, बताओ मेरी किस्मत में शहादत है या नहीं? सूबेदार ने हाथ देखा और कहा, आपकी किस्मत में शहादत तो है, लेकिन ये रुतबा आपको कब मिलेगा मालूम नहीं। जिस पर मेजर अजीज भट्टी ने हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये वक्त बहुत करीब है। तभी उन्होंने पाक जवान को वर्दी लाने का कहा तो वो गलती से किसी और की वर्दी ले आया, तो उन्होंने कहा कि जवान सुनो, वर्दी और कफन अपने अपने ही अच्छे लगते हैं। इसी असना में दुश्मन की नई कुव्वत ने एक और हमला कर दिया। मेजर भट्टी जान की परवाह किए बगैर बुलंदी पर खड़े होकर फायरिंग की समत का तायुन मालूम करने लगे। आपने नक्शे और दूरबीन की मदद से दुश्मन का तायुन करते हुए फायर करवाए और कई टैंकों को राख का ढेर बना दिया। अभी भी सामने से भारी गोलाबारी जारी थी, गोले आपके दाएं और बाएं इंतहाई करीब से गुजर रहे थे। सूबेदार ने कहा, मेजर साहब आप बराह रास्त दुश्मन की फायरिंग रेंज में हैं, नीचे मोर्चे में आ जाइए। मेजर ने जवाब दिया, अगर जान इस वतन पर कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। इस दौरान दुश्मन आपको देख चुका था। एक भारतीय तोपचे में तोप का रुख इनकी जानिब किया, दोबारा फायर करवाने के लिए आपने दूरबीन उठाई ही थी कि टैंक का जलता हुआ फौलादी गोला आपके सीने पर जा लगा और यूं फर्ज शनासी और शुजात के पैकर और मुल्क का अजीम हीरो पाक सरजमीन पर कुर्बान हो गया। मेजर राजा अजीज भट्टी इस मकाम पर शहादत पर फाइज हो चुके थे, जिसकी तमन्ना वो अपने दिल में रखते थे। हुकूमत ने जुर्रत और बहादुरी के सिले में आपको सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। मेजर अजीज भट्टी के मकाम शहादत पर यादगार शहदा भी बनाई गई है, जहां इनकी बटालियन और रेजिमेंट के शहदा और साथियों के नाम दर्ज हैं। आज भी 55 बरस बाद मेजर अजीज भट्टी का नाम जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा।